नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो वाइसल सिग्नल कम स्किनर के थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ और मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ, जिसमें आप लोग भी फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। उसका लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा, मतलब कल जो फाइल शेयर किया था कल का डाटा का बेसिस पे, वो आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो ये आप लोग को दिखाऊंगा। तो इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें इसको ये कैसे इफेक्टिवली काम करता है और कैसे यूज़ करना है, इसका बाय सेल लेवल में कैसे एंट्री लेना है रियल मार्केट में। तो इसीलिए इसी को आप लोग को समझाने के लिए आप लोग ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाता हूँ रेगुलर बेसिस पे, उसका आप लोग को मिल जाएगा रेगुलर बेसिस पे, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये बाय सेल लेवल, इक्विटी कमोडिटी, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, ये और भी बहुत सारा गन लेवल्स, गन स्कोर ऑफ नाइन और मुरेस मैथमेटिकल लेवल, 100 डी स्ट्रेटेजी, 100 डी स्ट्रेटेजी, इनसाइड दबर, NR4, NR7, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारा चार्ट का सेटअप है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप लोग को देखने के लिए, जो भी आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा स्ट्रेट करने के लिए, और बहुत सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और ये बाय सेल लेवल में क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है और इसका इफेक्टिवनेस क्या है, पिछले वाला परफॉर्मेंस वाला वीडियोज़ भी आप लोग देख लीजिए, तो ताकि आप लोग को अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि इसको कैसे स्क्रीनिंग करना है। इसका व्हाट्सअप का ज्वाइन होने का लिंक आप लोग को दिया जाएगा, इधर यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग एलिस ब्लू स्टार्टेड एंजल ब्रोकिंग और आप स्टॉक्स में ज्वाइन होना चाहता है, तो मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकता है। देखिए ये तो मैंने ये फाइल आज सुबह शेयर किया था और इसका ये सब लेवल मैंने शेयर किया था, तो ये नहीं दिखाता हूँ वो कल रात में जो दिखा मैंने शेयर किया था, मतलब कल का डाटा से उस पर मैंने एक ही फाइल डाउनलोड, दो फाइल शेयर करता हूँ, एक वाइसल लेवल 3 और वाइसल लेवल कम स्किनर। तो इसको मैंने डाउनलोड करके आप लोग को दिखाता हूँ परफॉर्मेंस। इधर जो ये बाय सेल लेवल हुआ ना, मैंने 3 सेट ऑफ बाय सेल लेवल देता हूँ और बहुत सारा गन पिवट पॉइंट, गन लेवल्स, ये सब बहुत सारा दिखाता हूँ, मैंने एक एक करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। और तो मैंने कुछ भी स्टॉक्स ले लेता है, सोच लीजिए बजाज फिन सबको ले लिया। तो इधर देखिए 7668 में इसका बाय लेवल था और 7013 में सेल लेवल था, तो देखता है इसको चार्ट में दिखाता हूँ बजाज फिन सब, एक मिनट चार्ट में दिखाने के लिए कुछ भी शॉर्ट पहले खोल देना पड़ेगा, उसके सोच लीजिए मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। उसके बाद बजाज फिनसर्व तो देखिए 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। तो इसका ये तो आप लोग जानते हैं, पहले सर्किट लग गया था, मार्केट बहुत ही गिर चुका था, इसीलिए ऐसे चार्ट ऐसे दिख रहा है। तो इधर 7668 में इसका बाई का लेवल था और 7013 में सेल का लेवल था, तो पहले 5 मिनट में ये 7068 और 6613 आ गया था, तो बाई का लेवल उसके बाद 7068 के ऊपर गया था, 7068 के सॉरी कितना था वाई का लेवल 7668, इतना उपस्था आज गया नहीं था, हाँ 7668 से आप लोग एंट्री ले सकते थे। तो 7668 से एंट्री लेने से बाद ये 7883 तक ऊपर गया था, और इसके बाद समझ लीजिए
इसका ब्रिटानिया को देख लेते हैं। ब्रिटानिया में इसका वाई का लेवल था 2878.90 के ऊपर, और सेल का लेवल था 2832। सेल का लेवल था 2832 और ब्रिटानिया का यह 2878 था। तो इधर देखिए 2878 के ऊपर गया कि हाँ इधर 800, इधर तो इसके बाद ये छोड़ देता हूँ। उसके बाद जब ये 800 के ऊपर गया था, ये 29,000 तक गया था, 3,049 तक ये हाई गया था। तो उसके बाद फिर कुछ दूसरा कुछ देख लेते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लेते हैं। महिंद्रा का इसका महिंद्रा 423.63 का इसका वाई का लेवल था। 423 तक ये गया था क्या नहीं गया था, 423 का ऊपर ये 431 तक, 431.70 तक गया था। और मैंने और भी कुछ लेवल दिखा देता हूँ आप लोग को, सोच लीजिए आप लोग। ये वाई का वाई लेवल, सेल लेवल 1, वाई लेवल सेल लेवल 2 और वाई लेवल सेल 3 नहीं इसको सकता है। उसके बाद गन लेवल्स भी कैसे काम किया वो भी देखना पड़ेगा। तो एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ, और वाई लेवल सेल लेवल 2 वाई लेवल जो व्हाट्सएप ग्रुप में वो चेक कर सकता है, आप लोग खुद भी चेक कर सकता है। सोच लीजिए इधर मैकडल का बाई का एंट्री लेवल था, यह गन एंगल्स, ये बाई का एंट्री लेवल था 551 और सेल का एंट्री लेवल था 545। तो मैकडेल को एक बार देख लेते हैं। मैकडेल को एक बार देखते हैं, 551, 500, ये तो साइकिल लग गया था। उसके बाद जब 551 के ऊपर गया था कि नहीं गया था, हाँ 551 तक गया था, बहुत दूर गया था, 573 तक, ये 582 तक गया था। उसके बाद सेल का लेवल आया नहीं था, इसका सेल का लेवल नीचे नहीं आया था, इसका सेल का लेवल आया नहीं था। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, 551 के बाद 554, 559, 565 ये कैसे गया था, 551 के बाद 559, 551, 564, उसके बाद फिर 573, 575 तक गया था, 575 तक गया था, ये इस लेवल था इसका और इसका लेवल पे आ गया था। तो और भी कुछ देख लेते हैं, सोच लीजिए ग्रासिम को देख लेते हैं, 568 और 562 ग्रासिम को 568 568 का ऊपर ये देखिए बहुत ऊपर गया था, 627 तक गया था, 568 के ऊपर बहुत ही गया था, इसका 637 तक गया था। उसके बाद देखिए मैंने गन स्क्वायर ऑफ 9 भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी 568 का 90 के ऊपर था। और इसका जो मुरेस मैथमेटिकल्स एंगल्स है उसका देखिए, 500 ये जो ऊपर गया था 598 के बाद 564, 570, 576 इसका तो इतना तक आ गया था। तो और भी कुछ लेवल्स देख लेते हैं, मतलब यहाँ शर्ट जो मैंने 100 डे मूविंग एवरेज का जो स्ट्रैटेजी देता हूँ, सोच लीजिए अपोलो हॉस्पिटल इसका 1590, 1480, अपोलो हॉस्पिटल 1590 अपोलो हॉस्पिटल 500, सॉरी अपोलो हॉस्पिटल 1590, 1380, 1590 के ऊपर कितना दूर गया